हेलो फ्रेंड, दिस इज अमित कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट अमित फॉर यू। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने लैपटॉप का या पीसी का स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके कीबोर्ड में एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कीबोर्ड का पिक्स यहाँ पर ओपन कर लिया है मैंने, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट स्क्रीन का। ठीक है, लेकिन ये आपका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपका कीबोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है या फिर लैपटॉप का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर कहीं पर प्रिंट स्क्रीन लिख कर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ PS। ठीक है, P का मतलब प्रिंट, S का मतलब स्क्रीन। ठीक है, PS इस तरह से काफी लैपटॉप में लिखा होता है PRTSC। ठीक है, तो वहां पर आपको देखना है कि प्रिंट स्क्रीन कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो डेस्कटॉप होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्रोम पर ओपन किया हुआ है, कुछ रोज का फोटो यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है कि अगर मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पर PS को क्लिक कर दूंगा, प्रिंट स्क्रीन को क्लिक कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्लिक कर दिया प्रिंट स्क्रीन, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ये पूरा है, ठीक है, ये आपका जो स्क्रीनशॉट इसने ले लिया और वो कॉपी भी हो गया। आप चाहे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए देखा हुआ था, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फोटो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर डेस्कटॉप का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पूरे डेस्कटॉप का, ठीक है, लैपटॉप का या डेस्कटॉप का पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं, जैसे कि स्निपिंग टूल हो गया और स्निप एंड स्केच भी हो गया। तो यहाँ पर विंडो में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपके कीबोर्ड में ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रिंट स्क्रीन का। तो प्रिंट स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इस पर ही ये फोटो मैंने ऑन किया हुआ है, और अपने लैपटॉप पर, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप का जो PS बटन है, ठीक है, यहाँ पर PS बटन को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अपने लैपटॉप पर। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि उसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये वर्ड फाइल ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर पेस्ट, तो यहाँ पर पेस्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी स्क्रीन का, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा स्क्रीन, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे डिस्प्ले का। जैसे कि मैं इसका ही स्क्रीनशॉट लेके आपको बता देता हूँ, तो आपको क्या करना है कि जो लैपटॉप का जो PS बटन है, प्रिंट स्क्रीन, आपके लैपटॉप में या सिस्टम में प्रिंट स्क्रीन भी हो सकता है, या PS लिखा हो सकता है, या फिर PRTSC लिखा हो सकता है, तो आपको समझना है कि ये प्रिंट स्क्रीन है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अपने लैपटॉप पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने प्रिंट स्क्रीन को क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं उसकी जो फोटो है वो आपकी, जब आप क्लिक करते हैं तो आपका क्रॉप हो जाता है प्लस कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और पेस्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी अभी इसी का जो ऊपर ये था पूरा ये दिख रहा होता, वर्ड फाइल खुला हुआ था, इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया और देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पेस्ट भी हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप प्रिंट स्क्रीन को यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डिस्प्ले हो रहा होगा वो आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और कॉपी हो जाएगा, उसको आप चाहे जहाँ उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको पेंट में, यहाँ पर पेंट ओपन है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा पेंट में मेरा खुल के आ गया, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट स्क्रीन कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरा आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेना है प्लस वो आप स्क्रीनशॉट लें और वो सेव भी हो जाए, ठीक है, आपकी पिक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कहाँ पर सेव होगा, आपका जो यहाँ पर फोल्डर होता है दिस पीसी में आपका यहाँ पर फोल्डर बना होगा पिक्चर्स का, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक फोल्डर बना हुआ मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे आपने वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है। अभी आप कहेंगे कि आपने ये सारे स्क्रीनशॉट तो लिए, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे लेकिन ये सेव नहीं हुए थे। ठीक है, ये आप जब केवल प्रिंट स्क्रीन आप क्लिक करेंगे, केवल आप प्रिंट स्क्रीन क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि वो आपका स्क्रीन का जो वो होगा वो आपका स्निप हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आपका स्क्रीन का जो आपका है स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा।
और वो कॉपी कर लिया जाएगा लेकिन सेव नहीं होगा। ठीक है, सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो विंडो का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके लैपटॉप में या सिस्टम में विंडो का ऑप्शन होगा, विंडो को क्लिक कीजिएगा। विंडो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करना है। ठीक है, तो विंडो को पहले क्लिक कर लीजिएगा, फिर प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करेंगे तो वो जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, किसी भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट को ओपन कर लिया, यहाँ पर ओपन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, विंडो को मैंने क्लिक कर लिया, विंडो ऑप्शन को अपने कीबोर्ड में, ये आपका विंडो ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट स्क्रीन दबाना है, प्रिंट स्क्रीन मैंने दबा दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का सा डार्क हो गया था। ठीक है, तो डार्क हो गया था उसका मतलब है कि वो स्क्रीन शॉट ले लिया गया और उसको आपके सिस्टम में सेव कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन शॉट आपका आ गया, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई भी फोटो नहीं था लेकिन अभी एक फोटो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेव हो गया। इसी तरह से और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर में, पिक्चर्स फोल्डर में आपका केवल एक फोटो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और वो सेव भी हो जाए। अगर आप केवल आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको प्रिंट स्क्रीन दबाना है, लेकिन अगर आपको सेव भी करना है साथ में तो विंडो प्लस आपको प्रिंट स्क्रीन, तो मैंने विंडो को दबाया प्लस प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक कर दिया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का सा डार्क हुआ था और जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो गई। तो देख सकते हैं कि ये वाली फोटो हम लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट लिया, इसी का स्क्रीनशॉट लिया, वो सेव हो गया। देख सकते हैं कि इसका मैंने लिया और ये क्रोम पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन का यूज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो विंडो प्लस आपको प्रिंट स्क्रीन दबाना है तो वो सेव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद, प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।